हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। अ प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम मोमेंटम इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम एंड देयर स्पीड्स इज इन द रेशियो। ठीक है, सोल्यूशन देखो, हमें तीन पार्टिकल दे रखे हैं, एक तो प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन का चार्ज लिखें तो ई, ड्यूट्रॉन का चार्ज ई और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e। प्रोटॉन 1H1, ये 1H2 होता है और ये 2He4। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ ई, यहाँ पे भी, यहाँ 2e, ये वाला लिख लेते हैं। ठीक है, मास लिखें तो इसका MP, इसका 2MP और इसका 4MP। MP मतलब प्रोटॉन का मास। ठीक है, और मोमेंटम कांस्टेंट दे रखा है, इसका भी P, लीनियर मोमेंटम P और P, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रखा है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, B B और B। ठीक है, तो यहीं से कर लो। देखो, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो जाएगा लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाई मास। तो लिख लो यहाँ पर प्रोटॉन की वेलोसिटी, कंटिन्यूस में लिख लो ड्यूट्रॉन की वेलोसिटी और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। तो मोमेंटम प्रोटॉन का मास MP, रेशियो मोमेंटम तो कॉन्स्टेंट है, ड्यूट्रॉन का मास 2MP, रेशियो मोमेंटम और अल्फा पार्टिकल का मास 4MP। MP से PMP कट गया। देखो यहाँ आया 1:1/2 रेशियो 1:4, 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो 4:4/2 रेशियो 4:4, दैट मीन्स 4:2:1, 4 का मल्टीप्लाई कर लिया इसका। देखो ये तो वेलोसिटी का रेशियो हो गया। तो देखो वेलोसिटी का स्पीड का रेशियो जो कह रहा है ना, स्पीड का रेशियो वो सेकंड नंबर पे कह रहा है, फर्स्ट नंबर पे मैग्नेटिक फोर्स कह रहा है, तो ये तो है नहीं है, यही है। देखो ये रहा, ये चॉइस हो गई, इसको निकाल लेते हैं, पर आंसर तो ये आ गया। स्पीड का रेशियो देखो सेकंड नंबर पर है आपका, इसे मत सोच लेना, स्पीड का रेशियो पहले निकाल ले आप, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो पहले बोला है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड देख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो यहाँ आप थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहिए कि जो पार्टिकल है वो परपेंडुलर मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये बोला नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो निकालें, FP रेशियो FD रेशियो F अल्फा। तो देखो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है F बराबर QVB sin थीटा होता है। अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो थीटा 90 डिग्री, तो QVB, यहाँ पे बोला नहीं बेटा, ये बोलना चाहिए। चलिए, तो Q तो Q है और वेलोसिटी की जगह पे लिख ले इतना, तो मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड ओवर मास। तो थोड़ा सा यहां सही लिखता हूं मैं इसको, है ना, ये तो लिखना चाहिए। क्यू वेलोसिटी जगह पे P/m लिख दो, N2b। तो देखो चार्ज प्रोटॉन का लिख रहे हैं, तो प्रोटॉन का चार्ज E, मोमेंटम कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और प्रोटॉन का मास MP, रेशियो। ड्यूट्रॉन को लिख रहे हैं तो ड्यूट्रॉन का चार्ज E, मोमेंटम P, मैग्नेटिक फील्ड B और मास 2MP, रेशियो। अल्फा पार्टिकल लिख रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, मोमेंटम p, मैग्नेटिक फील्ड b और मास 4MP। तो देखो EMPV से तो EMPV कट गया पूरा, MP से MP कट गया, यहां बचा एक, यहां बचा 1/2 और यहां बचा 2:4, तो 2 से कट गया फिर 1/2, तो 1:2 रेशियो 1:2, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में पूरे में, तो 2, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करें 2 से 2 कट जाएगा 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, सॉरी 1, ये आ गया फोर्स का रेशियो। तो मैच कर रहा है, देखो ये बी चॉइस बिल्कुल करेक्ट, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।